Hello students, Gulliver Travels, Term 2, Part 4, Chapter 10. इस चैप्टर में होयनुमुस की संस्कृति से गुलिवर कैसे प्रभावित होता है वो बताया है और आगे बताया है कि गुलिवर का इस देश से निकलना. तो इन डिटेल देखते हैं कि होयनुमुस की संस्कृति से गुलिवर कैसे प्रभावित होता है. गुलिवर को वहाँ एक कमरा मिला था और उसने इसे अच्छी तरह सजाया था. उसने फर्श को एवं दीवारों को मिट्टी से पलस्तर किया हुआ था. वह स्वयं के लिए कपड़े भी बनाता था और होयनुमुस के साथ जिंदगी में आसानी से स्थिर हो गया था. वह दिमाग की शांति तथा अच्छे स्वास्थ्य का खूब आनंद उठा रहा था. उसने शक्ति, परोपकार और गति की उन लोगों में खूब प्रशंसा की और इस तरीके के अच्छे गुणों वाले लोगों ने उसके भीतर एक अजीब सा आदर भर दिया था. जब वह अपने परिवार के बारे में सोचता था या दोस्तों, देशवासियों या पूरी मानव जाति के बारे में सोचता था तो वह आकार में उन्हें याहू समझ लेता था. कभी कभी जब वह अपने आप को किसी झील में, फोवारे में देख लेता था तो वह स्वयं के डर से अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लिया करता था और वह हमेशा होयनुमुस के तौर तरीकों का अनुसरण करने की इच्छा रखता था. आगे बताया है कि देश से कैसे निकलना होता है. गुलिवर उन लोगों के बीच रहकर खुश था. उसके स्वामी ने उसे एक दिन बुलाया और कहा कि दूसरों ने उसे घर में एक होयनुमुस बनाकर रखने में एक अपराध की तरह लिया था. उसके मालिक ने यह भी कहा कि प्रतिदिन पड़ोस के होयनुमुस का उस पर दबाव डाला था कि वह आकर के एक सभा को संबोधित करे और इससे स्वामी ज्यादा दिन तक नहीं दूर रह सकते थे. स्वामी के पास गुलिवर को छोड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं था, किंतु गुलिवर अपने स्वामी के इन शब्दों से अत्यंत दुखी और निराश हो गया. उसके स्वामी ने उसे वहां 2 महीने और रुकने की अनुमति दी ताकि वे अपनी नाव को पूरा बना सके. अपने एक साथी नौकर की सहायता से उसने एक डोंगी तैयार कर ली और एक बड़े से तालाब में इसे रख कर देखा. उसे अपने मालिक, मालकिन और पूरे परिवार से छुट्टी ले ली और जाते समय वह काफी भावुक हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए. उसका हृदय खूब दुख में डूब गया और उसकी बाकी होयनुमुस का महाराज की उपस्थिति में आदर व्यक्त किया और फिर डोंगी में बैठकर उस किनारे चल पड़ा.